अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साहिब मशरूफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से उनके जो न्यू आने वाले नेक्स्ट जनरेशन कंसोल्स के बारे में और कंपेयर करेंगे एक्सबॉक्स सीरीज एक्स और एक्सबॉक्स सीरीज एस को। तो चले बिना किसी का वक्त जाया किए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, जो इनकी एस सीरीज है वो एक लो पावर सीरीज है कंपेयर करें अगर हम इनकी एक्स सीरीज से। जो सीरीज एस है वो काफी चीपर है सीरीज एक्स से और जो इसके अंदर जो स्पेक्स है वो घटाए गए हैं, मगर ये किसी भी तरह से एक कम पावर कंसोल नहीं होने वाला। आप ये ले लें कि जो एस है वो एक बजट कंसोल है जबकि जो सीरीज एक्स है वो एक फ्लैगशिप लेवल का है, जैसे आईफोन 11 एक फ्लैगशिप और आईफोन एसई एक बजट फोन है। तो ये दोनों ही कंसोल नवंबर 10 को लीक्स के मुताबिक रिलीज कर दिए जाएंगे। तो जो एस सीरीज है वो है $399 की, यानी कि 249 यूरोस की। पाकिस्तानी प्राइस अभी कन्फर्म नहीं कर सकता क्योंकि पता नहीं कितना टैक्स पड़ जाए। जो सीरीज एक्स है वो $500 में रिलीज की जाएगी अकॉर्डिंग टू लीक्स। प्राइस को देखा जाए तो सीरीज एस हाफ प्राइस पे आता है सीरीज एक्स के। प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देखी जाए तो सीरीज एस ही विन करेगी सीरीज एक्स से। जो सीरीज एस है वो गेमिंग करती है 1080p या 1440p पे, जो सीरीज एक्स है वो करेगी आपकी 4K पे गेमिंग 120fps, और अगर कम ग्राफिक डिमांडिंग गेम होंगी वो आपको 8K पे भी गेमिंग करा देगी। तो अगर अब हम इनके स्पेक्स के बारे में बात करें तो जो सीरीज एक्स है इसके अंदर आते हैं 12 टेराफ्लॉप्स ऑफ जीपीयूज, जो कि सीरीज एस है उसके अंदर आते हैं 4 टेराफ्लॉप्स ऑफ जीपीयू। ये काफ़ी कम है लेकिन मैं आपको आगे जाके बताता हूँ क्या फ़र्क है। जो इनके अंदर प्रोसेसर यूज़ किए गए हैं वो प्रीटी मच सेम है जो कि जेन 2 8 कोर सीपीयूज हैं। जो सीरीज एक्स के अंदर रैम यूज़ की गई है वो 16GB की GDDR6 रैम है, और जो सीरीज एस के अंदर रैम यूज़ की गई है वो है GDDR6 की 10GB ऑफ रैम। अगर हम स्टोरेज की बात की जाए तो ये दोनों बहुत ही फास्ट होने वाले हैं क्योंकि जो सीरीज एक्स है उसके अंदर 1TB की SSD है जबकि जो सीरीज एस है उसके अंदर 512GB की SSD है, यानी कि कंसोल काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने वाले हैं। और अब मैं आपको यहाँ ये बता दूँ, जो सीरीज एक्स है वो एक DVD रोम के साथ आएंगे मगर जो सीरीज एस है वो DVD रोम के साथ नहीं आने वाला, यानी कि आपको गेम्स ऑनलाइन बाय और डाउनलोड करनी पड़नी है। इसकी एक वजह ये भी है कि जो सीरीज एस है ये 16% स्मॉलर साइज में है सीरीज एक्स के। तो अगर ये मैंने आपको बता दिया है कि जो सीरीज एक्स है वो आपको 4K 60fps अप टू 120fps पे गेमिंग करेगा करवा देगा, और जो कम ग्राफिकल डिमांडिंग गेम है उसको ये 8K भी चला देगा, और जो सीरीज एस है वो आपको 1440p अप टू 60fps गेमिंग करा देगा, और जो कम ग्राफिकल डिमांडिंग गेम है उसको 1440p 120 फ्रेम्स पे भी आराम से चला सकता है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि जो सीरीज एक्स और एस है इसके अंदर जो टेराफ्लॉप्स ऑफ जीपीयू हैं इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा फर्क है। जो सीरीज एक्स है वो आती है 12 टेराफ्लॉप्स के साथ जो कि सीरीज एस है वो आती है 4 टेराफ्लॉप्स के अंदर। ये कम है, काफ़ी लोग कह रहे थे कि इसको 6 टेराफ्लॉप्स के साथ आना चाहिए थे ताकि अपने पिछली जनरेशन सीरीज एक्सबॉक्स एस सीरीज के साथ, लेकिन इसके अंदर लेटेस्ट RDNA 2 ग्राफिक्स आर्किटेक्चर को यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है। परफॉर्मेंस जो होगी वो आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। दोनों ही एक्सटर्नल स्टोरेज को सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि 512GB गेमों के लिए काफ़ी कम है, आप इसके अंदर एक्सटर्नल स्टोरेज को भी लगवा सकते हैं। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के हिसाब से जो सीरीज एस जो है वो बहुत ही अच्छी ऑप्शन होने वाली है। जितनी हाइप एक्सबॉक्स सीरीज की एक्स की थी उससे काफ़ी ज़्यादा हाइप आई अब इसकी बन चुकी है क्योंकि इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है। तो बस यार आज की वीडियो में यही था, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए ना, अगर पहले से नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। दिस इज साइम साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।